सुषमा, वसुंधरा, शिवराज, रमन सिंह, पंकजा मुंडे, ये बीजेपी के नेताओं की वो लिस्ट है जो भ्रष्टाचार के दोषी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ललित मोदी की मदद करने के आरोपों में घिरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर 36,000 करोड़ रुपए के चावल घोटाले का आरोप लगा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्यापक घोटाले के आरोपों में। भ्रष्टाचार करने वालों की इस लिस्ट में अब मोदी सरकार के सबसे बड़े इक्के अरुण जेटली का चेहरा भी बेनकाब हो गया है। जेटली ने देश के धर्म माने जाने वाले खेल क्रिकेट को अपने घोटालों से कलंकित किया है। अरुण जेटली 13 वर्ष तक बीडीसीए के चेयरमैन रहे, उसी दौरान बीडीसीए में तमाम वित्तीय गड़बड़ियां हुई। बीते 13-14 साल में अरुण जेटली की अध्यक्षता में बीडीसीए में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। जिस दामन को अरुण जेटली पूरी तरह से उजला बता रहे हैं, उसी दामन पर कीर्ति के मुताबिक काले के छींटे हैं। यदि आपके घर में कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? 19 महीनों की मोदी सरकार में जारी है, लगातार जारी है बीजेपी का भ्रष्टाचार। देश की जनता पूछ रही है सवाल, आखिर कब तक भ्रष्टाचारियों का मोदी जी रखेंगे ख्याल?